गुड मॉर्निंग अजय, मुझे लग रहा है कि देखिए नंबर्स तो बहुत अच्छे लग रहे हैं घूमने के लिए, क्योंकि 18% की आरओई ऐसे हार्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में अगर आता है तो डेफिनेटली शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी बात है। जैसे सभी को पता है कि आरओई एक ऐसा पैरामीटर है जो शेयर होल्डर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिटर्न इवेल्युएट करने के लिए, तो डेफिनेटली मैनेजमेंट का जो पॉजिटिव स्टांस है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है, मार्केट्स को भी पसंद आएगा। बट आई थिंक सबसे बड़ी बात अजय इस स्टॉक में ये है कि एग्जीक्यूशन कितना स्विफ्टली होता है। मेरे ख्याल से पिछले 2 साल तो कोविड के लिए काफी खराब थे, एग्जीक्यूशन इम्पैक्ट हो चुका था, तो एग्जीक्यूशन की पेस अगर बढ़ती है तो मुझे लग रहा है कि देखिए ऑर्डर्स मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ जिस प्रकार से हो रहा है और जिस प्रकार से अभी L&T के बैलेंस शीट पे IT है, उसके बाद काफी टेक्नोलॉजी सेवी जो बिजनेसेस है, यहाँ पे डेफिनेटली जो रिस्क रिवॉर्ड है, जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है वो काफी सिग्निफिकेंट है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक मार्केट विल इवैल्यूएट दिस ऑन अ क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर बेसिस, और उसके बाद मेरे ख्याल से ग्रेजुअली यहाँ पे रिरेटिंग आएगी। बट इसमें कोई डाउट नहीं कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो इंफ्रा और डिफेंस और कैपिटल गुड्स और इवन इनडायरेक्टली आईटी पे रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें डेफिनेटली स्टेडी टू गुड रिटर्न्स मिलने की अपेक्षा रहेगी। इस बार नंबर्स थोड़े से मॉडरेटली ग्रोथ आए थे फोर्थ क्वार्टर में, बट हमको लग रहा है कि जैसे जैसे इकोनॉमी में सुधार आएगा और एग्जीक्यूशन इनकी बनेगी तो डेफिनेटली लोअर लेवल्स पे बाइंग जरूर आएगी, और इसमें कोई डाउट नहीं कि 2100-2200 का एक नियर टर्म का टारगेट भी बनता है। तो आई थिंक दिस स्टेटमेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट डेफिनेटली लुक पॉजिटिव, आई थिंक मार्केट्स डेफिनेटली इससे काफी एटलीस्ट इन द नियर टर्म विल बी क्वाइट इम्प्रेस्ड। Avinash, good morning. Let's talk about the deal. The largest ever in cement space and the largest ever in India, of course, is CC Ambuja. के जो होल्डिंग होलसिम की होल्डिंग स्टेक गोज टू अदानी, और ऑफकोर्स एंटिसिपेटेड था और ये डील क्रैक होते हुए भी दिखी है, वैल्यूएशंस के फ्रंट पर भी काफी आकर्षक नजर आ रही है, आपके टेक क्या है? ये मुझे लग रहा है कि देखिए अदानी ग्रुप जिस प्रकार से एग्रेसिवली हर क्षेत्र में इन्वेस्ट कर रहा है, अभी सीमेंट में भी ये उतरे, तो मेरे ख्याल से सीमेंट सेक्टर में आने वाले दिनों में हो सकता है कि थोड़ा सा और कंपटीशन बढ़े, क्योंकि अभी जो पोजीशनिंग है ACC और अंबुजा की, ये खरीदने के बाद अडानी ग्रुप विल बी द सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर इन द सीमेंट सेक्टर आफ्टर अल्ट्राटेक। तो कैपेसिटी वाइज तो उन्होंने बहुत अच्छा एक्विजिशन किया है, आई थिंक डेफिनेटली काफी सिनर्जीज होंगी दोनों कंपनीज में। मुझे लग रहा है कि जो भी डील के कॉन्टूर्स है, आई थिंक मार्केट्स आगे जानना चाहेगी कि ये फंडिंग कहाँ से हुआ है। हालांकि अभी तो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोला है कि अडानी फैमिली ने एक SPV के वाया इसको फंड किया है, बट डेफिनेटली गोइंग लॉन्गर टर्म मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का इंक्रीमेंटल बिजनेस और इंक्रीमेंटल टॉपलाइन कंपनी रिकॉर्ड करेगी, मार्केट डेफिनेटली वही एग्रेशन देखना चाहेगी जो दूसरे अडानी ग्रुप कंपनीज में मार्केट ने देखा है। तो आई थिंक नेट नेट डील तो अच्छी है और डेफिनेटली ये कंसोलिडेशन इंडस्ट्री में होता है तो एक अच्छी बात है, बट डेफिनेटली नंबर्स को और स्टॉक को इम्प्रूव होने के लिए शायद थोड़ा सा समय लगे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि सेल ऑन न्यूज का मामला होता है, तो आज हमको देखना पड़ेगा कि स्टॉक किस प्रकार से रिएक्ट करता है। डेफिनेटली आई थिंक मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये डील इनके लिए काफी EPS एक्रेटिव है। अविनाश, दूसरा डीमार्ट आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। ओवर द वीकेंड नंबर्स आए, ये करीब 5000 वाला स्टॉक 4500 वाला 3200 पे आ गया है, मार्जिन एक्सपेंशन था मामूली, लेकिन कंपनी अच्छे हाल में है, बट वैल्यूएशन बड़े स्ट्रेच्ड इसके बाजार मानता है हमेशा, थोड़ा सा कंप्रेशन देखा है, एनी थॉट देयर? आई थिंक अजय आपने सही कहा कि देखिए नंबर्स तो ठीक ठाक आ गए हैं, लेकिन जिस प्रकार का वैल्यूएशन स्टॉक डिमांड कर रहा है उस प्रकार का ग्रोथ दिखाई नहीं दिया है, और मुझे लग रहा है कि ये बात मार्केट्स को डेफिनेटली अच्छी नहीं लगेगी। ऑलरेडी मार्केट में ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपरी लेवल से पिट चुका है, और ऐसे नंबर्स अगर कंपनी रिपोर्ट करती है तो 100 का जो पी मल्टीपल है उसको सस्टेन करना अजय बहुत डिफिकल्ट होगा। नॉर्मली बड़े पी कंपनीज में सबसे बड़ा जो ट्रिगर पॉइंट होता है वो अर्निंग्स ग्रोथ होती है, अगर अर्निंग्स ग्रोथ में थोड़ा बहुत भी स्लो डाउन आता है तो मार्केट्स को ये बात पसंद नहीं आती। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में डेफिनेटली चिंता है कि अर्निंग्स ग्रोथ डीली होनी नहीं चाहिए, और मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है प्लस जो आगे का जो रोडमैप है वो मेरे ख्याल से मार्केट क्लोजली वॉच करेगा। तो आई वुड प्रिफर कि थोड़ा सा और स्टॉक को करेक्शन होने दीजिए, अगर किसी को खरीदना भी है तो मेरे ख्याल से इस लेवल पे भी मुझे लग रहा है कि शायद अर्निंग्स ग्रोथ इतनी स्ट्रांग ना होने के कारण स्टॉक में इमीडिएट नियर टर्म में कोई बड़ी बढ़त आएगी ऐसा लग नहीं रहा। अभी जो मार्केट में थोड़ा बहुत सपोर्ट आ गया है
होपफुली आई थिंक मुझे लग रहा है कि 14,000 तो एक्सट्रीम पॉइंट है. मुझे लग रहा है कि यू नो आई वुड बी कंफर्टेबल कि इंडेक्स 15,000 तक आए और उसके बाद यू नो इन्वेस्टर्स को जैसे आपने कहा कि क्वालिटी स्टॉक्स और क्वालिटी बिजनेसेस में अभी थोड़ा सा निवेश जरूर करें. सबसे बड़ी बात अर्निंग ग्रोथ अच्छी क्वालिटी की आ रही है, बैलेंस शीट कॉर्पोरेट सेक्टर की और स्ट्रांग हो रही है और मुझे लग रहा है कि क्लियरली ये रशिया यूक्रेन का वॉर जब खत्म होगा तभी बहुत हद तक ये इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट भी है मार्केट्स के ऊपर वो भी निकल जाएगा. तो मेरे ख्याल से आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, जैसे जैसे यू नो हेडविंड्स क्लियर होंगे और उसके बाद अर्निंग्स टेलवेंड शुरू हो जाएगी तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इंडियन मार्केट्स को बाउंस बैक होने में टाइम नहीं लगेगा. तो इवन करंट लेवल्स पे अगर किसी को खरीदना है तो जैसे सारे अदर एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ऑटो एक ऐसा सेक्टर है जहां पे ग्रीन शूट दिख रहे हैं, ऑटो कंपोनेंट्स है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है, कैपिटल गुड्स है, तो ये काफी यू नो अच्छा बास्केट अभी मार्केट प्रोवाइड कर रहा है. थोड़ा सा इंतजार और थोड़ा सा पेशेंस इन्वेस्टर्स को फॉलो करना चाहिए और क्वालिटी बिजनेसेस में पैसा लगाए. मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली आने वाले एक दो क्वार्टर्स के बाद अच्छा रहना चाहिए. प्रियंका मुझे लग रहा है कि कमोडिटी साइकिल में अभी इन्वेस्टर्स काफी कॉशियस होना चाहिए क्योंकि हमने देखा है कि ऑल अक्रॉस सेलिंग हो चुकी है, अगर वो फेरस हो नॉन फेरस मेटल हो. और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट्स को थोड़ी चिंता है कि इंक्रीमेंटल जो प्राइस इंक्रीज है ग्लोबल मार्केट्स में स्पेशली एल्यूमिनियम को लेके, जिंक लेड को लेके, यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा वीकनेस आपको देखने को मिले. तो मुझे लग रहा है कि आने वाला क्वार्टर भी कंपनीज के लिए थोड़ा नरम रहेगा और इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो नेगेटिवली स्टॉक्स पे प्ले आउट हो चुका है. तो फ्रेश खरीदारी मेटल सेक्टर पे मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये पूरा स्पेस अभी थोड़ा सा वीक लग रहा है और मुझे लग रहा है कि जब तक और क्लेरिटी प्राइसेस पे नहीं आती तब तक फ्रेश निवेश करना नहीं चाहिए. जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं बट फ्रेश बाइंग शुड बी अवॉइडेड इन द मेटल सेक्टर. बिल्कुल इनफैक्ट अजय देखिए पिछले साल जो सीजन था इनका खराब हो चुका था और इस बार जो हीट वेव आई है इससे डेफिनेटली रेफ्रिजरेटर्स का एयर कंडीशनर्स का बहुत ज्यादा डिमांड हो चुका है और मुझे लग रहा है कि देखिए हालांकि वैल्यूएशंस वोल्टास के थोड़े से फेयर टू एक्सपेंसिव लग रहे हैं बट अगर हम पूरे इस स्पेस को देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि अनमेट डिमांड डेफिनेटली काफी ज्यादा है और हो सकता है कि ये स्पिल ओवर हो आगे आने वाले क्वार्टर के लिए. तो डेफिनेटली आई थिंक अगर मार्केट में करेक्शन मिलता है, निचले भाव पे ये स्टॉक्स मिलते हैं तो डेफिनेटली इसमें एक एक्सपोजर लेना चाहिए क्योंकि टेलविंड बहुत स्ट्रांग है और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार के क्लाइमेटिक चेंजेस हो चुके हैं मेरे ख्याल से कस्टमर्स की डिमांड आगे भी अच्छी आएगी. तो आई थिंक इट इज डेफिनेटली अ गुड आइडिया टू बाय ऑन डिक्लाइन. करंट प्राइसेस पे मैं समझता हूँ कि क्लियरली जो पूरा स्पेस है उसमें सिम्फनी सबसे ज्यादा वेल पोजिशनड है. इनके जो कूलर्स के रेंज है वो ऑब्वियसली एयर कंडीशनर से तो कॉम्पिटेटिव है ही लेकिन उन्होंने काफी नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं और अभी रिस्क रिवॉर्ड सिम्फनी में मेरे ख्याल से वोल्टा से काफी अच्छा है. तो आई वुड प्रीफर टू बाय सिम्फनी और डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से करीबन 15% लग रहा है तो सिम्फनी को डेफिनेटली बाय करिए और वोल्टाज अगर है तो होल्ड करिए. इसमें फ्रेश खरीदारी तभी करिए जब स्टॉक में थोड़ा एक यू नो रीजनेबली अच्छा करेक्शन होता है.